A very good morning, students. Today I am going to teach you about nervous system of man. Manushya ka tantrika tantra. Today we are going to study types of nervous system. मनुष्य में तंत्रिका तंत्र को तीन भागों में बांटा जाता है. नंबर वन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र. नंबर टू, PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र CNS, और ये CNS, PNS. नंबर थर्ड, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम ANS, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र. तो तंत्रिका तंत्र को तीन भागों में बांटा गया है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र. तो पहला हम स्टडी करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ये सूचनाओं के प्रसारण का केंद्र होता है. इसे दो भागों में बांटा जा सकता है, यानी कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसका मुख्य कार्य क्या है, सूचनाओं के प्रसारण का केंद्र. और दो भाग कौन कौन से हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड. सेंट्रल नर्वस सिस्टम मेन सिस्टम यही है, इसको ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में डिवाइड किया गया है. ब्रेन मस्तिष्क एक खोखला अंग होता है. ये तंत्रिका तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग है. सभी जंतुओं की तुलना में ह्यूमन ब्रेन यानी मानव मस्तिष्क जो है वो सबसे बड़ा होता है. इसका वेट 1.3 केजी, यानी इसका भार जो है 1.3 किलोग्राम के बराबर होता है. ये हमारी क्रेनियल कैविटी में सुरक्षित रहता है, कपाल गुहा. ब्रेन चारों ओर से तीन मेम्ब्रेन्स, ड्यूरा मैटर, एरेक्नाइड और पाया मैटर से घिरा रहता है. ये पाया मैटर, एरेक्नाइड और ड्यूरा मैटर, ये तीन मेम्ब्रेन्स होती हैं, इनसे घिरा रहता है. ब्रेन की कैविटी को वेंट्रिकल कहते हैं. इसमें एक रंगहीन स्वच्छ तरल पदार्थ भरा होता रहता है, जिसे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं. ये द्रव्य मस्तिष्क के कोमल ऊतकों की रक्षा करता है. ब्रेन के तीन भाग होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन. ये ग्रे मैटर, यहाँ ये दिखाया गया है वाइट मैटर, और ये हाइंड ब्रेन, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, और ये यहाँ पर नीचे की तरफ पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये स्पाइनल कॉर्ड जो ब्रेन से लगी हुई है, स्पाइनल कॉर्ड, और इसी के पड़ोस में ये सेरिब्रम. तो नंबर वन, फोर ब्रेन, वो इसे प्रो सेंसेफलॉन भी कहते हैं. ये मिड ब्रेन के ठीक आगे पाया जाता है. इसके तीन भाग होते हैं, यानी कि फोर ब्रेन के तीन भाग होते हैं, सेरिब्रम, डाइनसेफलॉन, ऑल्फैक्ट्री लोब. सेरिब्रम ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, जो पूरे ब्रेन का लगभग 80% भाग बनाता है. सेरिब्रम जो है पूरे मस्तिष्क का लगभग 80% भाग बनाता है. सेरिब्रम का बाहरी भाग ग्रे मैटर का बना होता है,
भीतरी भाग जो है वो व्हाइट मैटर का बना होता है। प्रमस्तिष्क गोलार्ध, फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, रिफ्लेक्सर एंड इंसुला लोब में बटा होता है। उसके बाद डायनसेफेलॉन, डायनसेफेलॉन ये मस्तिष्क के ठीक नीचे स्थित होता है। इसकी कैविटी को थर्ड वेंट्रिकल कहते हैं। इसके तीन भाग हैं, यानी कि जो डायनसेफेलॉन है इसके तीन भाग हैं, कौन कौन से? एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। उसके बाद नेक्स्ट ऑल्फैक्टरी लोब, इसमें ये वेंट्रल साइड यानी कि अधर सतह पर पाए जाते हैं तथा सूंघने की शक्ति का नियंत्रण करते हैं। ऑल्फैक्टरी लोब जो हैं वो सूंघने की शक्ति का नियंत्रण करते हैं। नेक्स्ट है मिड ब्रेन, पहला था फोर ब्रेन, दूसरा मिड ब्रेन। अब मिड ब्रेन के बारे में आप सीखेंगे कि मिड ब्रेन क्या है। ये मस्तिष्क का छोटा सा भाग होता है जो डायनसेफेलॉन के पीछे, सेरिब्रम के नीचे तथा हाइंड ब्रेन के ऊपर स्थित होता है। इसका कार्य शरीर का संतुलन तथा नेत्र पेशियों का नियंत्रण करना है। नंबर थर्ड हाइंड ब्रेन, इस भाग में सेरिब्रम तथा मेडुला ऑब्लॉगेटा स्थित होते हैं। जो हाइंड ब्रेन है इसमें सेरिब्रम, सेरिब्रम ये दिखाया गया है, सेरिब्रम और मेडुला ऑब्लॉगेटा होते हैं। सेरिब्रम, सेरिब्रम के पिछले भाग में नीचे की ओर स्थित होता है। ये स्ट्रिएटेड मसल्स की गति का नियंत्रण तथा संतुलन रखने का कार्य करता है, जबकि मेडुला ऑब्लॉगेटा स्पाइनल कॉर्ड से संबद्ध होता है। मेडुला ऑब्लॉगेटा जो है वो स्पाइनल कॉर्ड से संबद्ध होता है, यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड से संबद्ध होता है तथा संवेदनाओं एवं प्रेरणाओं का संचार ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच करता है। ये अनैच्छिक क्रियाओं, छींकना तथा खांसना का भी नियंत्रण करता है। ये जो हाइंड ब्रेन है इस पर नियंत्रण करता है। ये हमारी अनैच्छिक क्रियाएं हैं, छींकना और खांसना, इन पर भी नियंत्रण करता है। उसके बाद पहला पदार्थ था ब्रेन, दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या है? ये मेडुला ऑब्लॉगेटा रीढ़ की हड्डी के मध्य में स्थित न्यूरल कैनल से होता हुआ अंत तक फैला रहता है, यानी कि रीढ़ की हड्डी से ये इसके नीचे रीढ़ की हड्डी के मध्य में स्थित न्यूरल कैनल से होता हुआ अंत तक फैला रहता है, जिसे स्पाइनल कॉर्ड मेरुरज्जु कहते हैं। तो आपने सीखा कि नर्वस सिस्टम को इन थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और एएनएस ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। इस तरह से फर्दर उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में डिवाइड किया गया है। इसी तरह से उसको ब्रेन का को तीन भागों बांटा गया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। थैंक यू।